आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में स्लीपर सेल की आशंका पर अलर्ट जारी। एनआईए को 4 राज्यों में स्लीपर सेल होने का शक है और एनआईए ने हिजबुत तहरीर से बड़ा खतरा बताया। एनआईए ने किया है सीक्रेट ऐप पर मीटिंग का खुलासा। तो देखिए, देश के 4 राज्यों में ये अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में हिजबुत तहरीर के स्लीपर सेल मौजूद होने का शक है। ये संगठन बांग्लादेश में भी एक्टिव है और आईएसआईएस के बाद देश के लिए चुटी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो देखिए, हिजबुल तहरीर को लेकर एक बड़ा अलर्ट एनआईए ने जारी किया गया है। एनआईए की तरफ से कहा गया है कि देश भर में स्लीपर सेल की जो है वो आशंका जताई जा रही है और इसको लेकर 4 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर कौन है एचयूटी और एनआईए ने क्या अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, पहली तस्वीर एनआईए की है जिसने देश के 4 राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एमपी में एचयूटी के स्लीपर सेल होने की बात एनआईए ने कही है। तो वही दूसरी तस्वीर लेबनान स्थित कट्टरपंथी समूह हिजबुल तहरीर की है जिसने पश्चिमी देशों में अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया है और पिछले साल ब्रिटेन में इस समूह से जुड़े लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया था और इसके बाद ब्रिटेन ने इस समूह पर प्रतिबंध लगा दिया। हिजबुल तहरीर का हेडक्वार्टर लेबनान में है और इसका मकसद भारत में इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना है और इसी को लेकर अब एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एचयूटी को लेकर एनआईए ने क्या बड़े खुलासे किए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, एचयूटी को लेकर देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। एनआईए ने बड़ा खुलासा किया, 4 राज्यों में स्लीपर सेल मौजूद है। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और एमपी में स्लीपर सेल के मौजूदगी की खबर है। एमपी में गुप्त रूप से कैडर की भर्ती की जा रही है, ये भी खबर निकलकर सामने आई। सीक्रेट ऐप पर मीटिंग होती है और युवाओं को भड़काने के लिए सीक्रेट ऐप पर मीटिंग की जाती है। भारत में शरिया आधारित इस्लामिक राष्ट्र बनाना एचयूटी का लक्ष्य है। हिजबुत तहरीर के 17 सदस्य रडार पर भी हैं और देखिए, 4 राज्यों में इसी को लेकर एनआईए ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, 4 ऐसे राज्य देश के जहां पर अलर्ट जारी किया गया और इसमें मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है। अब इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी फोन कॉल पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, मध्य प्रदेश में एचयूटी के स्लीपर सेल होने की अब आशंका जताई जा रही है, कितनी अलर्ट हो गई है ये सुनने के बाद प्रशासन, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि 16 एचयूटी के आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, अब कितनी प्रशासन अलर्ट? करें तो मध्य प्रदेश में इनकी गिरफ्तारी होती रही है और बीते दिनों 17 ऐसे आतंकी एचयूटी के मध्य प्रदेश में पकड़े गए थे। बता दें कि इनके तार आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए थे और अब यह तो और भी संकट का समय है एनआईए एटीएस के लिए, क्योंकि इन्हें पकड़ पाना, जिस तरीके से ये डार्क वेब का उपयोग से सीक्रेट तरीके से मीटिंग कर रहे हैं। और यदि हम मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें तो यहीं के जंगलों में और आसपास के जंगलों में इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई थी। अब ये वापस से 17 और राडार पर आए हैं जो सीक्रेट ऐप से बातें कर रहे हैं और इनका पूरा लक्ष्य होता है एचयूटी के आतंकियों का कि जिस देश में रहना उसको इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि भारत देश के 4 राज्यों में सक्रिय है तो कहीं ना कहीं अब एनआईए एटीएस के लिए बड़ा चैलेंज हो गया इन्हें पकड़ना कि कैसे इन्हें पकड़कर अब ये सलाखों के पीछे डालती है। फिलहाल बिल्कुल, और दीपक, आईएसआईएस के बाद एचयूटी को ही अगला खतरा बताया जा रहा है, अब ऐसे में आने वाले दिनों में हमें किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? जी बता दूं, आईएसआईएस के बाद एचयूटी को अभी ही बीते दिनों जो भारत सरकार है उन्हें आतंकी संगठन घोषित किया था और अब इसके बाद इनको पीछे सलाखों के पीछे भेजने का काम जो स्पेशल एजेंसियां हैं, चाहे एनआईए है, एटीएस है, ये करेंगी और लगातार अब इनके राडार पर ये है, जिसके साथ आईबी की पूरी जो सूचना है उसके आधार पर अभी इन्हें गिरफ्तार करने का काम किया जाता है। अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में और देखना होगा कि कैसी कार्रवाई होती है। देखिए, आपको बता देते कि विश्व के कई देशों में एचयूटी बैन है और हाल ही में भारत में भी केंद्र सरकार ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया और इसे बैन कर दिया था। अब ये संगठन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बन गई है और ऐसे में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है, अब आगे बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम अपडेट के लिए।